नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। और आज स्टार्ट करते हैं हमारी एंटोमोलॉजी की एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो एंटोपैथो सब्जेक्ट है बच्चों को थोड़ा कठिन लगते हैं, तो अच्छा से रिविज़न हो जाएगा। तो आप सभी लोग जुड़ जाएँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए क्या आंसर होगा, बताएं। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नॉट फाउंड इन ऑर्डर, ये पूछा है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किसमें नहीं पाई जाती है ना, नॉट फाउंड, किस गण में पूर्ण मेटामॉर्फोसिस नहीं पाई जाती है, बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है। आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री अकेडमी की यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और जो बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे जो कि एग्रीकल्चर आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बताइए क्या आंसर होगा, चलिए देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नॉट फाउंड इन ऑर्डर, क्या लेपिडोप्टेरा, आइसोप्टेरा, हाइमनोप्टेरा या कोलियोप्टेरा। देखो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किसमें नहीं पाई जाती, तो इसका करेक्ट आंसर है आइसोप्टेरा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आइसोप्टेरा। देखो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, पहले हम उसको समझ लेते हैं ना। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या है, देखो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होती है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है जो चार चरणों में पूरा होती है, फोर स्टेज में, कितने, चार चरणों में पूरा होती है, कितने, चार चरणों के अंदर पूरा होती है। कौन कौन से चार चरण होते हैं, एग होता है, ठीक है, एग के बाद क्या होता है इनका लार्वा, एग के बाद क्या होगा लार्वा, लार्वा के बाद क्या होता है प्यूपा, और प्यूपा के बाद होता है एडल्ट। इन चार चरणों के अंदर ये पूरा होती है, कितने, चार चरण होते हैं, एग होता है, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। देखो इसके उदाहरण कौन कौन से ऑर्डर में ये होता है ना, कौन कौन से ऑर्डर के अंदर आपको देखने मिला है, जैसे भाई लेपिडोप्टेरा के अंदर होता है, बिल्कुल सही, हाइमनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा, ठीक है, इन सब के अंदर आपको मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर है ना, ये हो गया हमारा, ये हो गया ये तीनों, और एक और डिप्टेरा, ये चार आपको देखने को मिलेगा इन चारों के अंदर। जबकि हमारी जो इनकम्प्लीट होती है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है क्या कि तीन चरणों में, तीन स्टेज के अंदर पूरा होती है, कितने, तीन चरणों के अंदर पूरा होती है। कौन कौन से, एक होता है हमारा एग, एग के बाद क्या होगा निम्फ, और निम्फ के बाद क्या होगा एडल्ट। इन तीन चरणों के अंदर ये पूरा होती है, एग, निम्फ, एडल्ट, क्लियर। कितने चरणों के अंदर, तीन, एग है, निम्फ और एडल्ट चरणों, इनके अंदर ये पूरा होती है। इसके उदाहरण भाई कौन कौन से ऑर्डर हैं, जैसे इसके उदाहरण आप याद रखें, जैसे आइसोप्टेरा है, ठीक है ना, कौन है, आइसोप्टेरा है, ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर है, इन सभी के अंदर आइसोप्टेरा है, ऑर्थोप्टेरा है, और आइसोप्टेरा हो गया ऑर्थोप्टेरा, इसके बाद हमारा थाइसनोप्टेरा है, ठीक है ना, थाइसनोप्टेरा थ्रिप्स का ऑर्डर, ये हो गया हेमीप्टेरा हो गया, इन सभी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कौन सा, ये वाली मेटामॉर्फोसिस। तो बताएं सभी को समझ में आ गया, एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दें। बताइए क्लियर यहाँ तक सभी को, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दें यार। एडीए की वैकेंसी आएगी आएगी, चलिए अब एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। वैकेंसी इस साल एंड में या नेक्स्ट ईयर आएगी ना एडीए की वैकेंसी, उसके लिए बैच चल रहा है, क्लियर है यहाँ तक सभी को।
चलिए आगे पढ़ें। अब अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा, एरिस्टेट एंटीना आर फाउंड इन द, एरिस्टेट एंटीना ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है खास करके ना, एरिस्टेट एंटीना जो है, एरिस्टेट एंटीना किस में पाया जाता है बताएं एक बार भाई, सेशन को सभी लोग शेयर कर दें। एरिस्टेट एंटीना किस में पाया जाता है बताइए, एरिस्टेट एंटीना किसके अंदर पाया जाता है? बताइए आप एरिस्टेड एंटीना किसके अंदर? देखो एरिस्टेड एंटीना आर फाउंड इन शिप फ्लाई, हाउस फ्लाई, ग्रास ऊपर या पल्स बीटल। तो इसका आंसर है ना कौन है, हाउस फ्लाई। ये जो एग्जाम में आ चुका है ना, ये पल्स बीटल वाला पेपर में आ चुका है ये वाला जो है, कि पल्स बीटल के अंदर कौन से प्रकार के एंटीना मिलते हैं, ऐसा एग्जाम में आ चुका है एक बार, ठीक है ना, इपको के एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। पल्स बीटल जो है इसके अंदर आपको मिलेंगे सेरेट, कौन से मिलेंगे आपको, सेरेट प्रकार के ना, याद रखना पल्स बीटल में आपको मिलेंगे सेरेट। ग्रास ऊपर का भी याद रखना, इसमें कौन से मिलते हैं हमको, फिलीफॉर्म। तो आप याद रखना कौन से मिलते हैं इसमें, फिलीफॉर्म प्रकार के एंटीना हमको प्राप्त होते हैं। ग्रास ऊपर के अंदर आपको फिलीफॉर्म मिलेंगे और पल्स बीटर के अंदर आपको सेरेट प्रकार के मिलेंगे, और एरिस्टेड जो होते हैं हाउस फ्लाई के अंदर होते हैं। तो ये दो तीन हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखें। चलिए क्लियर, अगला प्रश्न बताएंगे इस देखो माउथ पार्ट का, एक क्वेश्चन एग्जाम में माउथ पार्ट का पूछा जाता है, इसलिए कि अपन यहाँ पर माउथ पार्ट का क्वेश्चन ले लिया। स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स बताएं, स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट किस में मिलता है, स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स किसके अंदर होता है, स्पंजिंग प्रकार के माउथ पार्ट्स किस में पाए जाते हैं, हाउस फ्लाई के अंदर, हनी बी के अंदर, मॉस्क्यूटो के अंदर, या ऑल ऑफ दीज किसके अंदर होते हैं, स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स किसके अंदर पाए जाते हैं बताएं, स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन हाउस फ्लाई के अंदर, हनी बी के अंदर, मॉस्क्यूटो, या ऑल ऑफ दीज किसके अंदर आपको मिलेंगे। तो स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट आपको मिलेंगे देखने को किसके अंदर, वही सेम हाउस फ्लाई के अंदर, किस में, हाउस फ्लाई में। हनी बी के अंदर हमको कौन से मिलते हैं, देखो अपन सारे एक बार देख लेते हैं किस में कौन से मिलते हैं। देखो आपको पहले नंबर पर चैवे है ना, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप एक बार देख लीजिए। तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप जो है किस में मिलेंगे हमको, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप जैसे एफिड के अंदर है ना, जैसिड है, एफिड, वाइट फ्लाई, मॉस्क्यूटो, इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे है ना, कौन से वाले, तो आंसर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। दूसरे नंबर पर हमारा स्पंजिंग टाइप हो गया, साइफनिंग टाइप एक होता है साइफनिंग टाइप, ठीक है ना, बटरफ्लाई के अंदर, साइफनिंग टाइप कौन से अंदर, बटरफ्लाई किसके अंदर आपको मिलेंगे, बटरफ्लाई, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, हनी बी के अंदर लगा ना, हनी बी में, तो आंसर है रास्पिंग एंड लैपिंग टाइप या चैबिंग एंड लैपिंग, याद जरूर रखना, क्या रास्पिंग एंड लैपिंग या फिर चैबिंग एंड लैपिंग टाइप, ठीक है, चैबिंग या लैपिंग टाइप ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये किसके अंदर, हनी बी के अंदर, किसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको, हनी बी के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपको एक याद रखना है, कौन सा, थ्रिप्स का है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पर अगला, पहले अपन चैबिंग एंड वाइटिंग टाइप, चैबिंग एंड वाइटिंग टाइप ये किस में होते हैं, जैसे बीटल्स में है ना, बीटल्स में आपको देखने को मिलेंगे, बीटल्स के अंदर वो हैं जो वॉलबॉम्स होते हैं, वॉलबॉम्स के अंदर, बीटल्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद रास्पिंग एंड सकिंग टाइप अगले होते हैं हमारे, रास्पिंग एंड सकिंग टाइप। तो रास्पिंग एंड सकिंग टाइप किस में देखने को मिलेंगे हमको, रास्पिंग एंड सकिंग टाइप आपको देखने को मिलेंगे थ्रिप्स के अंदर। तो याद रखें ये इंपॉर्टेंट माउथ पार्ट्स हैं सभी, चलिए थ्रिप्स के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो एरियास बिटेला किसका एक इंपॉर्टेंट पेस्ट है, तो आंसर किसका, कपास का एक इंपॉर्टेंट पेस्ट है, ये सिंपल प्रश्न है। हाँ इसका एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स याद रखें आप एग्जाम में, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या है, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या है इसका, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स तो फ्लेयर स्क्वायर जो नाम से एक लक्षण होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, फ्लेयर अप स्क्वायर नाम से याद रखना, ये किसके कारण बनता है, एरियास बिटेला के कारण बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताएं, व्हाइट ग्रब कहाँ अंडे देता है, व्हाइट ग्रब कहाँ अंडे देता है, तो सिंगली इन द लूज सोल है ना, कहाँ पर अंडे देता है, तो आंसर है कहाँ पर, भूरी भूरी मिट्टी के 10 सेंटीमीटर अंदर। व्हाइट ग्रब जो होता है किसका एक इंपॉर्टेंट पेस्ट है,
तो वाइट ग्रफ किसका, ग्राउंड नट का, ठीक है। वाइट ग्रफ किसका एक पेस्ट है, ग्राउंड नट का एक इम्पोर्टेंट पेस्ट है। कहाँ पर एग देने का काम करता है, तो कहाँ पर अंडे देता है वाइट ग्रफ, ठीक है ना। तो आंसर है ये लगा ना, लूज सोइल अप टू द डेप्थ ऑफ टेन सैंडी लोमी सोइल, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ पर, तो सैंडी सोइल के अंदर अंडे देने का कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सिंगली इन द लूज सोइल अप टू द डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर पे अंडे देने का कार्य करता है, कौन, वाइट ग्रफ। तो वाइट ग्रफ में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और पूछा जाता है, किसका एक इंपॉर्टेंट है भाई, मूंगफली का है ना। वाइट ग्रफ जो है किसका एक इंपॉर्टेंट पेस्ट है, ग्राउंड नट का एक इंपॉर्टेंट पेस्ट है, किसका, ग्राउंड नट का एक इंपॉर्टेंट पेस्ट है, क्लियर। किसका एक इंपॉर्टेंट पेस्ट है, ग्राउंड नट का एक महत्वपूर्ण इंसेक्ट है, ठीक है। होलोट्राइच, इसको हम नेशनल पेस्ट भी कहते हैं ना, होलोट्राइचिया कंसनगुनिया, है ना, होलोट्राइचिया कंसनगुनिया जो है इसको, है ना, होलोट्राइचिया कंसनगुनिया। चलिए इसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम नेशनल पेस्ट भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम नेशनल पेस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, नेशनल पेस्ट, याद रखना इसको क्या बोलते हैं, नेशनल पेस्ट भी कहते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ना, अगला आर्मी वॉर्म, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है आर्मी वॉर्म का। देखो एंटोमोलॉजी साइंटिफिक नेम भी बहुत पूछते हैं, विच वन ऑफ द आर्मी वॉर्म अटैक इन मिल्किंग स्टेज, ठीक है। आर्मी वॉर्म किसका है ना, आर्मी वॉर्म जो एक इंपॉर्टेंट वीट का कीट होता है ना, किसका, गेहूँ का एक इंपॉर्टेंट कीट है। तो आपको बताना कि आर्मी वॉर्म किस पर अटैक करता है, आर्मी वॉर्म जो है किस पर अटैक करता है, आर्मी वॉर्म जो होता है किस पर अटैक करता है बताएं, ठीक है। वीट जो है गेहूँ की, मतलब तो उसका साइंटिफिक नेम क्या, आर्मी वॉर्म गेहूँ के ऊपर अटैक करता है, तो आर्मी वॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आर्मी वॉर्म का साइंटिफिक नेम होता है माइथिमना सेपराटा, याद रखना आर्मी वॉर्म का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो याद रखना माइथिमना सेपराटा होता है, ठीक है। देखो प्लूटेला जाइलोस्टेला ये किसका होता है, ये डायमंड ब्लैक मोथ है ना, डायमंड ब्लैक मोथ का होता है, किसका, डायमंड ब्लैक मोथ का होता है। चलिए इसके बाद अगला, ये चलो पार्टेलस है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका, मेज स्टेम बोरर होता है, कौन है ये, मेज स्टेम बोरर, क्या है ये, मेज स्टेम बोरर होता है। सेशन को सभी लोग एक बार शेयर कर दें यार, चलिए अगला साइंटिफिक नेम होता है सोरगम। देखो अगर आपसे सोरगम स्टेम बोरर भी पूछा जाने कि सोरगम स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम क्या है, सोरगम स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम, ठीक है, साइंटिफिक नेम होता है सोरगम स्टेम बोरर, सोरगम स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम क्या है, तो जो मेज स्टेम बोरर का था वही आपको बताना है। ज्वार के तने का भेदक कीट बताएं क्या नाम है, बिल्कुल है ना, क्या आंसर होगा इसका। देखो इसका नाम जो है सोरगम का स्टेम बोरर जो है, जो मक्के का होता है वही इसका होता है, चलो पार्टेलस है ना, ये जो लगाना है, ये जो लगाना सीसमिया इन्फ्रेंस, ये पिंक बोरर होता है, ये गेहूं और मक्का राइस सभी में आता है पिंक बोरर नाम से, किस नाम से आता है ये, पिंक बोरर नाम से, याद रखना किस नाम से आता है, पिंक बोरर, सीसमिया इन्फ्रेंस किस नाम से आता है, पिंक बोरर नाम से आता है। एम सेक्टम और रेड हैरी कैटरपिलर होता है, कौन, रेड हैरी कैटरपिलर है, रेड हैरी कैटरपिलर है, वो ना रेड हैरी कैटरपिलर है। इसके बाद एग्रोटस सेप्सिलिन, ये ग्राम कटवर्म होता है, कौन होता है, ग्राम कटवर्म, कौन होता है, ग्राम कटवर्म है, चलिए ये कौन सा है, ग्राम कटवर्म है। प्रश्न नंबर 8 है, बताओ इन विच टाइप ऑफ द बी स्टिंग आर फाउंड, किसमें आपको स्टिंग, वो है ना, किस प्रकार की मक्की में आपको डंक मिलते हैं, ककून में मिलते हैं, क्या ड्रोन में मिलते हैं, या वर्कर्स में मिलते हैं, किसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं बताएं, किसके अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं आप ये बताएं, डंक किस मक्की के अंदर आपको डंक देखने को मिलता है। इंटरनेशनल पेस्ट, अपना लोकस्ट इज द इंटरनेशनल पेस्ट है, चलिए एक बार इस सेशन को सभी लोग शेयर कर दें यार। चलिए
इन विच टाइप ऑफ द वी स्टिंग्स आर फाउंड, बताओ क्यून है, ड्रोन है, वर्कर्स है, किसके अंदर आपको स्टिंग्स देखने को मिलते हैं, क्यून, ड्रोन, वर्कर्स, क्या आंसर आएगा? बिल्कुल है ना, क्या आंसर आएगा? वर्कर के अंदर, किसके अंदर? वर्कर। देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखें कि कौन फर्टाइल होता है, कौन है ना स्टराइल होता है, कौन डिप्लोड होता है, कौन हैप्लोइड, ये मधुमक्खी के अंदर आप याद रखें। देखो मधुमक्खी में क्या होता है, थोड़ा समझना बात को है ना, ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि कौन डिप्लोइड है और कौन हैप्लोइड होता है, कौन स्टराइल होता है, कौन फर्टाइल होता है। देखो समझ लेते हैं हनीबी के अंदर कि हनीबी में जो एग है, देखो ये क्या है, एग है ना, हनीबी के अंदर ये क्या है, अंडा है, एग, क्लियर। ये एन होता है, अंडा हमेशा क्या होता है, एन होता है, हैप्लोइड, अंडा तो हमेशा एन ही होगा। अगर इसका फर्टिलाइजेशन होता है, अगर इसका क्या हो जाए, स्पर्म आकर इससे जाए जुड़ जाए, ठीक है, ये स्पर्म जो है इससे आकर जुड़ जाए, ठीक है ना, इसका क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, क्या हो जाए इसका, फर्टिलाइजेशन, मतलब नर युग्मक जो है, मेल गैमेट, ध्यान से सुनना, क्या है, मेल गैमेट इसके साथ आगे जुड़ जाए, मेल गैमेट एन आके इसके साथ जुड़ जाए तो निषेचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निषेचन, हाँ ना, क्या हो जाएगा, निषेचन, क्या हो जाएगा, निषेचन, तो इससे बनेगा 2N, ठीक है, ये होती है फीमेल, ये क्या है, फीमेल, तो फीमेल हमेशा 2N है, चाहे वो वर्कर्स हो चाहे क्यून हो, फीमेल हमेशा 2N होती है ना। अब इसमें से क्या होता है, जिसको रॉयल जेली खिलाई जाती है, जिसको रॉयल जेली खिलाई जाती है वो तो क्या बनती है, क्यून, ठीक है ना, तो क्यून कैसी फीमेल होती है, 2N, याद रखना, ये 2N होती है और ये फर्टाइल अंडे देने वाली होती है, क्योंकि इसको रॉयल जेली खिलाते हैं तो ये फर्टाइल होती है। वर्कर जो होती है ना, वर्कर, ये भी 2N होती है, वर्कर भी 2N होती है, क्लियर, वर्कर भी क्या होती है, 2N होती है, लेकिन ये कैसी होती है, स्टराइल, ये भी कैसी होती है, स्टराइल होती है, कैसी होती है, ये स्टराइल है, वर्कर भी कैसी होती है, ये स्टराइल, क्यों, क्योंकि इसको तो ये अंडे नहीं दे सकती है ना, ये कौन, तो ये याद रखना, इसको रॉयल जेली खिलाई जाती है, क्या खिलाते हैं, रॉयल जेली, इसको क्या खिलाई जाती है, रॉयल जेली, तो क्यों है ना, फर्टाइल। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्या, ये जो एग है ना, एग, ठीक है ना, अगर इसका निषेचन नहीं होता, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये रहता है, अगर ये बिना निषेचन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन के रहता है, ठीक है, बिना निषेचन के, तो याद रखना, बिना निषेचन के ये अगर रहता है, कौन, ये बिना निषेचन के, तो क्या बनता है, ड्रोन बनता है, क्या बनता है ये भाई, ड्रोन, है ना, याद रखना, बिना निषेचन के ड्रोन, एन, ये मेल, याद रखना कौन होता है, मेल होता है, तो ये आपको याद रखना, हैप्लोइड कौन होता है और डिप्लोइड कौन होता है, ठीक है ना, हैप्लोइड कौन होता है और डिप्लोइड कौन होता है, ये आप याद रखेंगे, दोनों एग्जाम में पूछते हैं, एग्जाम के अंदर ये पूछते हैं, हैप्लोइड डिप्लोइड, क्लियर। तो आपको याद रखना, नर जो होता है ना, मेल, वो अगुणित होता है ना, हिंदी में भी आपको मैं बता देता हूँ, ये क्या होता है, अगुणित है ना, ये क्या होता है, अगुणित होता है, क्या है, ये अगुणित होता है, और ये दोनों क्या होता है, दोगुणित होता है, 2N 2N, ये दोनों क्या होते हैं, डिप्लोइड होते हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न बताएं, ये तो बहुत सरल प्रश्न है, द थ्री बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट के भाई थ्री बॉडी पार्ट कौन कौन से होते हैं, वो सरल प्रश्न है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमन, तीन होते हैं, हेड होता है, थोरेक्स होता है, एब्डोमन होता है, क्लियर। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेड जो होता है ना, हेड, इसमें कितने सेगमेंट होते हैं, 6 सेगमेंट होते हैं, हेड के अंदर कितने सेगमेंट्स होते हैं, 6 सेगमेंट होते हैं, हेड के बाद थोरेक्स जो होता है, कौन सा, थोरेक्स वाला पार्ट, इसमें कितने, 3 सेगमेंट होते हैं, कितने, 3 सेगमेंट होते हैं, और इसके बाद होता है एब्डोमन, इसके बाद कौन होता है, एब्डोमन होता है, इसमें कितने, 11 सेगमेंट होते हैं, कितने, 11 सेगमेंट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब एग्ज़ाम में कभी कभी इनके फंक्शन भी पूछते हैं, एग्ज़ाम के अंदर इनके फंक्शन भी पूछते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर क्या पूछते हैं, इनके कार्य, कैसे कार्य, इधर देखें ना एग्ज़ाम के अंदर कि हेड का, तो हेड में तो क्या होता है, एंटीना, माउथ पार्ट यहीं होते हैं, सेंसेशन है, माउथ पार्ट है, फूड का है ना, ये सारे हेड के अंदर पाए जाते हैं, एंटीना यहीं होते हैं, माउथ पार्ट यहीं होते हैं, आँखें जो है, सेंस ऑर्गन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, आँखें, एंटीना है ना, तो सेंस ऑर्गन जो है वो आपको हेड के अंदर मिलेंगे, आँखें, एंटीना। थोरेक्स के अंदर आपको पता है थ्री पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, कितने, थ्री पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, तीन जोड़ी, थ्री पेयर ऑफ लेग आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका काम, थोरेक्स का मेन फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन भाई, इसका मेन मुख्य कार्य क्या होता है, लोकोमोशन, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, लोकोमोशन, और साथ साथ में एक छोटा मोटा कार्य होता है, रेस्पिरेशन, थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। मुख्य कार्य क्या होता है, लोकोमोशन, गति करना, जबकि एब्डोमन का मुख्य कार्य होता है एक तो रेस्पिरेशन, श्वसन, इसका मुख्य कार्य होता है ना, श्वसन करना, और दूसरे नंबर पर एक और मुख्य कार्य होता है, याद रखना कौन सा, जिसका नाम है प्रजनन, रिप्रोडक्शन करना, क्या करना, रिप्रोडक्शन, क्या करना, रिप्रोडक्शन करना, प्रजनन करना, क्या करना, प्रजनन करना, रिप्रोडक्शन करना,
चलिए, क्लियर यहाँ तक सभी को? तो ये आपको याद रखना है कि छोटे छोटे फंक्शन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इन सबके कार्य क्या क्या होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। अगला था ड्वेलिंग प्लेस ऑफ टर्माइट। टर्माइट के घर को हम क्या कहते हैं? टर्माइट का जो घर है उसे क्या कहा जाता है? द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ टर्माइट इज ऑल्सो नोन एज। दीमक के निवास स्थान को किस नाम से जानते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएं। बताइए, द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ टर्माइट क्या कहते हैं? टर्माइट के घर को, ठीक है, अर्थन माउंड है ना, याद रखना, माउंड कहा जाता है। ठीक है, दीमक के घर को क्या बोलते हैं? अर्थन माउंड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। विच पेस्ट ऑफ द पोटैटो अटैक्स अंदर है ना, विच पेस्ट ऑफ पोटैटो अटैक द ट्यूबर मोथ इन फील्ड एज वेल एज द स्टोरेज। इनमें से कौन सा कीट जो होता है फील्ड प्लस स्टोरेज दोनों में डैमेज करता है? बताएं, इनमें से कौन सा कीट है जो फील्ड प्लस स्टोरेज दोनों के अंदर क्या करता है? डैमेज। विच पेस्ट ऑफ द पोटैटो अटैक द ट्यूबर बोथ इन फील्ड एंड स्टोरेज। बताओ, विच पेस्ट ऑफ द पोटैटो अटैक द ट्यूबर बोथ फील्ड एंड स्टोरेज। फील्ड के अंदर भी और स्टोरेज के अंदर भी, दोनों के अंदर डैमेज करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि विच पेस्ट ऑफ पोटैटो अटैक द ट्यूबर, ठीक है ना, अटैक द ट्यूबर बोथ फील्ड एज वेल एज द स्टोरेज। कौन सा पीड़क आलू के कंद को खेत तथा भंडारण दोनों जगह पर है ना नुकसान पहुंचाता है? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा है? तो पोटैटो है ना, याद रखना, पोटैटो ट्यूबर मोथ, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? पोटैटो ट्यूबर मोथ जो है ये दोनों जगह नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है ना, इसके अलावा और कौन से कीट हैं ये काम करते हैं? इसके अलावा और कौन कौन से कीट हैं ये कार्य करते हैं? देखो, इसके अलावा ये है ना फील्ड पल्स बीटल भी यही कार्य करता है। कौन? पल्स बीटल भी जो है यही कार्य करता है, बिल्कुल। दूसरे नंबर पल्स बीटल के बाद और कौन ये कार्य करता है? शुगर है ना, स्वीट पोटैटो बीबिल। कौन? स्वीट पोटैटो बीबिल, याद रखना। कौन? स्वीट पोटैटो बीबिल यही कार्य करता है। तीसरे नंबर पर और कौन ये कार्य करता है इसके अलावा? स्वीट पोटैटो बीबिल के अलावा एक और करता है ना, जो है एंग्यूनियस ग्रैन मोथ। एंग्यूनियस ग्रैन मोथ जो होता है, जिसका नाम है, ठीक है ना, सेटोग्रा सेरेला। ये है ना, याद रखना, चारों कीट सेटोग्रा जो है सेरेला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेटोग्रा सेरेला जो है, ये चारों जो कीट होते हैं ये क्या करते हैं, ठीक है ना, ये चारों कीट याद रखना क्या करते हैं, ये फील्ड प्लस स्टोरेज दोनों के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं, ये चारों कीट। अगला प्रश्न बताएंगे आप, रिस्ट्रिक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट कब पास हुआ? ये तो खैर सरल प्रश्न है लेकिन एग्जाम में आता है। चलिए, हाँ, टर्मिटोरियल आयुष, इसको हम टर्मिटोरियल भी कह सकते हैं, बिल्कुल। तो सिंपल प्रश्न है भाई, कब 1914 आएगा ये इंसेक्टिसाइड एक्ट है 1968, इंसेक्टिसाइड एक्ट, क्लियर, 1968। चलिए अगला है, बैसिलस थ्रुंजेनिस वाज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट? ये इंपॉर्टेंट है, बताइए, बैसिलस थ्रुंजेनिस की खोज किसके द्वारा की गई थी? बैसिलस थ्रुंजेनिस की खोज बताएं, बैसिलस थ्रुंजेनिस का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? बैसिलस थ्रुंजेनिस वाज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट? इसी वाटा बर्लिन फिलिस्टर फ्रिस्किस के द्वारा। बताइए, बैसिलस थ्रुंजेनिस वाज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट? तो आंसर इसी वाटा है ना, बैसिलस थ्रुंजेनिस जो है इसी वाटा के द्वारा, बीटी की डिस्कवरी किसके द्वारा? तो याद रखना, बीटी इसी वाटा ने। अब देखो, बीटी जो मार्केट में किस नाम से मिलता है, कभी आपसे पूछ सकते हैं, बीटी का कंट्रोल हम यूज जो करते हैं, इसका यूज किस में करते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल में, हाँ, लेपिडोप्टेरा जो है, लेपिडोप्टेरा का जो कैटरपिलर है, लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट को कंट्रोल करने में, हाँ ना, किसको? लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट को कंट्रोल करने में। तो बीटी के अंदर क्या होती है? क्राई नाम की जीन पाई जाती है, क्राई फर्स्ट ए सी है, क्राई सेकंड ए बी है, ये जीन पाई जाती है, और इनका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, जैसे बीटी कॉटन है, इसी की हेल्प से बनाई हुई है, तो ये क्या करती है? क्राई प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है? क्राई प्रोटीन, याद रखना, क्राई एक प्रोटीन बनाती है जो कि इनके लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। क्या होती है? इनके लिए हानिकारक होती है, क्लियर। चलिए
अब देखो ये किस प्रकार का बीटी किस प्रकार का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, बीटी जो है किस प्रकार का टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है, बीटी जो है किस प्रकार का टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है। तो बीटी याद रखो किस प्रकार का टॉक्सिक प्रोड्यूस करेगा, ध्यान से सुनना है ना, बीटी जो है किस प्रकार का टॉक्सिक, तो ये डेल्टा याद रखेंगे आप, डेल्टा एंडोटॉक्सिन ठीक है, प्लस बीटा एक्सोटॉक्सिन याद रखना, बीटा एक्सोटॉक्सिन है ना क्या करता है, टॉक्सिक कंपोनेंट सीक्रेट करता है। और ये है ना जो टॉक्सिक होता है याद रखना कैसा होता है, स्टोमक पॉइजन होता है, कैसा होता है ये, स्टोमक पॉइजन होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्या स्टोमक पॉइजन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कौन सा टॉक्सिन होता है, डेल्टा एंडोटॉक्सिन और बीटा एक्सोटॉक्सिन इससे निकलने वाला होता है ठीक है। मार्केट में किस नाम से बोलते हैं, हाँ डाइपिल है, बायोवेट हाल्ट है ना, मार्केट में जो नाम से ट्रेड नेम डाइपिल बायोवेट हाल्ट इन सबसे है ना आपको देखने को ये मार्केट में मिलता है बीटी, तो इसके बारे में याद रखें आप सारी चीज़ें। बीटी यूज क्या है, लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट है ना, बीटी का याद रखें आप यूज क्या क्या है लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए ठीक है ना, डेल्टा एंडोटॉक्सिन बीटा एक्सोटॉक्सिन स्टोमक पॉइजन होता है, डाइपिल बायोवेट हाल्ट ठीक है, ये इसके ट्रेड नेम होते हैं मार्केट में मिलने वाले, ये ट्रेड नेम इसके याद रखें सब ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न है 14 नंबर का, विच स्टेज ऑफ गंदी बग और पैडी इज मोस्ट हार्मफुल ठीक है ना। देखो गंदी बग की कौन सी स्टेज जो है ज़्यादा खतरनाक होती है, पैडी के लिए कौन सा नुकसान पहुंचाता है, हाँ बायोपेस्टिसाइड भी है, ये क्या बायोपेस्टिसाइड है ना बिल्कुल। अगला बताएंगे आप, विच स्टेज ऑफ गंदी बग और पैडी इज मोस्ट हार्मफुल, बताओ इनमें से कौन सी स्टेज जो है ज़्यादा हार्मफुल होती है, बताइए आप इनमें से कौन सी स्टेज जो है ज़्यादा हार्मफुल होती है, गंदी बग की कौन सी स्टेज जो है ज़्यादा खतरनाक होती है बताएं, विच स्टेज ऑफ द गंदी बग ऑफ द पैडी इज मोस्ट हार्मफुल, इनमें से कौन सी स्टेज ऑफ गंदी बग की ज़्यादा हार्मफुल, एडल्ट है, लार्वा है, प्यूपा है, एडल्ट और निम्फ है, कौन है इनमें से कौन सी ज़्यादा सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है, तो एडल्ट है, लार्वा है, प्यूपा या एडल्ट है ना निम्फ होता है, कौन होता है ये ना डी आंसर, एडल्ट एंड निम्फ दोनों क्या होते हैं हार्मफुल होते हैं, कौन एडल्ट भी और निम्फ दोनों क्या होते हैं हार्मफुल होते हैं, क्लियर, एडल्ट भी हार्मफुल होता है और निम्फ भी क्या होता है हार्मफुल होता है। तो विच स्टेज ऑफ द गंदी बग ऑफ पैडी इज मोस्ट हार्मफुल, एडल्ट एंड निम्फ याद रखें दोनों हार्मफुल होते हैं, गंदी बग जो होते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है, किस स्टेज पर अटैक करता है, तो आंसर है मिल्किंग स्टेज पर, किस पर, मिल्किंग स्टेज के ऊपर अटैक करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इसका साइंटिफिक नेम क्या है, लेप्टोकोरिसा ठीक है ना एकूटा, लेप्टोकोरिसा एकूटा ठीक है, लेप्टोकोरिसा एकूटा इसका साइंटिफिक नेम है, मिल्किंग स्टेज पर अटैक करता है। चलिए अगला है, डीडीटी किस प्रकार का इंसेक्टिसाइड है, क्या ये कॉन्टैक्ट पॉइजन है, क्या स्टोमक पॉइजन है, दोनों है या ऑल ऑफ दीज, बताओ। डीडीटी जो है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन किस प्रकार का है ना, क्या नाम होता है इसका कि डाइक्लोरो क्या नाम होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो एथेन किस प्रकार का कीट है, बताओ किस प्रकार का कीट होता है, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, डीडीटी जो है किस प्रकार का पॉइजन है बताएं, डीडीटी किस प्रकार का एक जहर है, किस प्रकार का बताएं, डीडीटी इज ए कॉन्टैक्ट है, स्टोमक है, बोथ किस प्रकार का, तो ये दोनों याद रखना, ये कॉन्टैक्ट पॉइजन भी है और स्टोमक दोनों के अंतर आता है, दोनों प्रकार का है ना, डीडीटी जो है ये दोनों प्रकार का, कॉन्टैक्ट भी और स्टोमक पॉइजन दोनों है ठीक है। डीडीटी क्या है, एक कॉन्टैक्ट और स्टोमक पॉइजन दोनों होता है। डीडीटी किस ग्रुप में आता है, तो आंसर ऑर्गेनोक्लोरीनेटेड ग्रुप है ना, ऑर्गेनोक्लोरीनेटेड ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा, किस में, ऑर्गेनोक्लोरीनेटेड ग्रुप के अंदर ये आपको मिलेगा, कौन, डीडीटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप बताएं, क्लासिफिकेशन एंड नोमनक्लेचर ऑफ इंसेक्ट कम्स अंडर विच रूल एंड ब्रांच, बताइए कीटों का वर्गीकरण एवं नामकरण किस नियम एवं शाखा के अंतर्गत
किया जाता है। कीटों का नामकरण और वर्गीकरण हम किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? बताइए, कीटों का वर्गीकरण और नामकरण हम नियम जो करते हैं किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? क्या आंसर आएगा? कीटों का नामकरण हम किस शाखा के अंदर? टैक्सोनॉमी। उसे क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं वर्गीकी। उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण और नॉमी। इसका फादर कौन है? फादर कैरोलस लिनियस है। कौन है भाई इसके फादर? कैरोलस लिनियस है ना, कैरोलस लिनियस इसके फादर है। कौन है? कैरोलस लिनियस इसके फादर है। क्वेश्चन नंबर सत्रह है, स्प्रेयर्स आर क्लीन बिफोर यूज, है ना। स्प्रेयर को अपन को एक बार साफ कर लेना चाहिए उपयोग करने से पहले। ये ज़रूरी होता है ना कि हम हर्बिसाइड उपयोग किया, अब हम है ना इंसेक्टिसाइड यूज करने जा रहे हैं या इंसेक्टिसाइड करके, तो हमको स्प्रेयर को पहले यूज करने से पहले साफ कर लेना चाहिए। अच्छा, थोड़ा फास्ट पढ़ा क्या? चलिए तो बताओ, स्प्रेयर आर क्लीन बिफोर। स्प्रेयर का जो है यूज जो है, स्प्रेयर जनरली बताओ किसको साफ करने में करते हैं स्प्रेयर का? स्प्रेयर आर क्लीन बिफोर द यूज, तो 1% हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, 1% हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करेंगे। क्लियर, याद रखना 1% हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। चलिए, साइनोगैस पंप क्या है? क्या आंसर आएगा बताइए? साइनोगैस पंप क्या है? एक डस्टर है, फ्यूमिगेटर, स्प्रेयर और इमल्सीफायर है। क्या साइनोगैस पंप क्या है? तो साइनोगैस पंप एक प्रकार का, याद रखना, फ्यूमिगेटर होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? एक प्रकार का फूट स्प्रेयर, क्या होता है? फूट, है ना, याद रखना, ऐसे पैर से चलाने वाला फूट पंप होता है। इसका हम क्या करते हैं? एज ए फ्यूमिगेटर, क्या होता है इसे? हम फ्यूम्स, एज ए फ्यूमिगेटर, याद रखना। इसके बाद अगला, विच वन ऑफ द नोटेड ट्रैप, है ना, एज ए ट्रैप क्रॉप, इनमें से बताएं कौन सी ट्रैप क्रॉप है, इनमें से कौन सी आपको होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रैप क्रॉप, इनमें से कौन सा ट्रैप है बताएं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रैप क्रॉप, इनमें से कौन सी ट्रैप क्रॉप है बताइए? बिल्कुल सरल है, ये देखो भिंडी है, है ना। इसके अंदर क्या? भिंडी है, जो हम कपास के चारों लगाते हैं। सोयाबीन के चारों, याद रखना, कैस्टर याद रखेंगे आप, सोयाबीन के चारों और कैस्टर लगाते हैं। और टमाटर के चारों, याद रखेंगे आप, टमाटर के चारों हम सनफ्लावर लगाते हैं। ये दो तीन हैं, आप नाम याद रखना, ठीक है। चलिए, और ऐसे अपन है ना मस्टर्ड को लगा देते हैं, कैबेज के चारों और मस्टर्ड को लगा देंगे। तो ये है ना चार पाँच हैं, इनको आप याद रखें, कैबेज के चारों और मस्टर्ड लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बताएं क्या आंसर होगा? हाउ मेनी जनरेशन आर, है ना, इन ईयर ऑफ व्हाइट ग्रव, व्हाइट ग्रव की कितनी जनरेशन होती हैं? श्वेत गडार की प्रतिवर्ष कितनी पीढ़ियां पाई जाती है बताएं? व्हाइट ग्रव की कितनी जनरेशन होती हैं? व्हाइट ग्रव की जो जनरेशन हैं वो कितनी होती हैं, ठीक है? व्हाइट ग्रव की कितनी जनरेशन होती है? 1, 3, 5, 7। तो आंसर है, बताएं जल्दी, व्हाइट ग्रव की जनरेशन कितनी होती हैं? व्हाइट ग्रव की कितनी जनरेशन होती है बताइए? हाउ मैनी जनरेशन आर दे अंदर, बताइए आप कितनी होती हैं? 1, 3, 5, 7 व्हाइट ग्रब की, तो एक जनरेशन होती है, याद रखना, एक साल में कितनी? एक ही जनरेशन आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 21, हुज फ्रंट पेयर ऑफ विंग्स आर कोल्ड इलेट्रा, ठीक है ना। किसके जो आगे वाले जो पंख होते हैं, किसके अगले जोड़े पंख जो होते हैं इलेट्रा कहलाते हैं बताएं? ये इंपॉर्टेंट है, किसके अगले जोड़े वाले जो पंख होते हैं इलेट्रा कहलाते हैं। क्या आंसर होगा? किसके अगले जोड़े वाले जो पंख होते हैं इलेट्रा कहलाते हैं? किसके अगले जोड़े वाले जो पंख होते हैं इलेट्रा कहलाते हैं बताएं? ऑर्थोप्टेरा, हेमिप्टेरा, कोलियोप्टेरा, आइसोप्टेरा, किसके? तो आंसर याद रखना, किसके बताएं? कोलियोप्टेरा। क्या आंसर आएगा? कोलियोप्टेरा। किसके आगे जोड़े वाले जो हैं पंख इलेट्रा कहलाते हैं? इलेट्रा किसके? कोलियोप्टेरा के आगे वाले पंख जो होते हैं प्रोटेक्टिव हार्ड लेयर होती है, जिसको कोलियोप्टेरा के अंदर इलेट्रा कहते हैं। जो ऑर्थोप्टेरा, उसमें टैगमेना होता है ना, क्या होता है यहाँ पर? टैगमेना, याद रखना। ऑर्थोप्टेरा के अंदर क्या होता है? टैगमेना होता है। और यहाँ पर क्या होता है कोलियोप्टेरा के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये, जबकि डिप्टेरा जो होता है ना उसमें हाइंड विंग्स होते हैं। डिप्टेरा में पीछे वाले क्या बनाते हैं, ठीक है ना,
हाल्टर्स क्या बनाते हैं, हाल्टर्स बनाते हैं, याद रखना क्या बनाते हैं, हाल्टर्स। डिप्टेरा में जो पीछे वाले पंख होते हैं वो क्या बनाते हैं, ठीक है याद रखना, डिप्टेरा के अंदर है ना, डिप्टेरा में जैसे मक्खी जो होती है ना, मक्खी में जो पीछे वाले पंख होते हैं हाइंड विंग्स, पीछे वाले पंख यहाँ पर क्या होते हैं, हाल्टर्स कहलाता है। यहाँ पर है ना आर्थ्रोपोडेरा के अंदर याद रखना कैसा होता है कि आगे वाला जो फाइबरस जैसा आपको पंख मिलेगा, इसको हम टैग्मना कहते हैं, और लिट्रा किस में कहते हैं, बीटल्स के अंदर, कोलिप्टेरा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न बताएं, डिगिंग टाइप ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट इन, बताएं गड्ढे खोदने, डिगिंग टाइप ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट, डिगिंग टाइप ऑफ लेग्स प्रेजेंट इन मोल क्रिकेट, हाउस क्रिकेट, डक क्रिकेट, और बताएं खोदने वाले जिनको हम फोरोजियल भी कहते हैं ना, डिगिंग टाइप ऑफ लेग्स किसके अंदर आपको मिलेंगे, खोदने वाले मतलब इनको हम फोरोजियल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, फोरोजियल, डिगिंग टाइप ऑफ लेग्स कितने है ना, फोरोजियल जो है, मोल क्रिकेट, हाउस क्रिकेट, डग बीटल और सोबी, किसके अंदर, मोल क्रिकेट के अंदर, आगे वाले जो खोदने वाले, तो याद रखना किसके अंदर आपको मिलेंगे, मोल क्रिकेट। अगला बताएं मैंगो है ना, मिली बग अपने अंडे कहाँ देती है, मैंगो सॉरी क्या बोलते हैं, मैंगो होपर, मैंगो मिली नहीं, मैंगो होपर, बताइए अगला प्रश्न का आंसर बताएं आप क्या हुआ। बताइए क्या आंसर होगा, मैंगो है ना, फीमेल मैंगो होपर अपने अड्डे कहाँ देती है, बताएं वेयर डू फीमेल मैंगो होपर, पत्ती की ऊपरी सतह, निचली सतह, मिडरेव ओवली, इनसाइड द टिश्यू, बताएं। तो बिल्कुल याद रखना पत्ती की निचली सतह पर, कहाँ अंडे देती है, पत्ती की निचली सतह पर ही अंडे देती है। अगला एप्रिकेनिया मेलानोलुका इज ए पैरासाइट ऑफ, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी प्रश्न, एप्रिकेनिया मेलानोलुका किसका एक पैरासाइट है, एप्रिकेनिया मेलानोलुका एक परजीवी होता है, बताएं एप्रिकेनिया मेलानोलुका इज ए पैरासाइट ऑफ किसका है, एप्रिकेनिया मेलानोलुका इज ए पैरासाइट ऑफ माइट्स का है, टर्माइट का है, पायरेला का है, कॉकरोच का, किसका है, एप्रिकेनिया मेलानोलुका इज ए पैरासाइट ऑफ, या पैरासाइट किसका, शुगर कैन पायरेला को कंट्रोल करने के लिए, किसको, शुगर कैन पायरेला को कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, शुगर कैन पायरेला, याद रखना शुगर कैन पायरेला। अगला ना सिल्वर सूट, ठीक है सिल्वर सूट और ओनियन लीफ, सिल्वर सूट ओनियन लीफ जो होते हैं, तो वाइट फ्लाई, गोल फ्लाई, स्टेम बोरर और ग्रास ऊपर, किसके कारण, सिल्वर सूट और ओनियन लीफ जो होते हैं, सिल्वर सूट और ओनियन लीफ राइस के अंदर है ना, ओनियन लीफ ये किसके कारण होते हैं, सिल्वर सूट और ओनियन लीफ नाम के जो लक्षण आपको देखने को मिलेंगे ये किसमें मिलेंगे, वाइट फ्लाई, गोल फ्लाई, स्टेम बोरर और ग्रास ऊपर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, गोल फ्लाई। चलिए अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्थेनियम फीडर, बताओ गाजर घास को कंट्रोल करने हम किस कीट का उपयोग करते हैं, गाजर घास को कंट्रोल करने के लिए हमें किस कीट का उपयोग करते हैं, बताएं विच वन ऑफ द फॉलोइंग द पार्थेनियम फीडर है, गाजर घास को कंट्रोल करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ट्राइकोग्रामा, ठीक है ट्राइकोग्रामा ग्रेनेरियम का, या ट्राइकोग्रामा माइन्यूटस का, या जाइकोग्रामा बाइकोलोरेटा का, किसका प्रयोग करते हैं, बताएं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जाइगोग्रामा बाइकोलर, किसका उपयोग करेंगे हम, जाइगोग्रामा बाइकोलरेटा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है बताओ, क्राइसलिस प्यूपा, तो क्राइसलिस प्यूपा क्या है, किसके प्यूपा को हम क्राइसलिस कहते हैं, ये शब्द जो इस्तेमाल करते हैं किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बताएं क्राइसलिस प्यूपा जो है जनरली हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बताएं क्राइसलिस शब्द जो है, क्राइसलिस प्यूपा बीटल्स के लिए, हनीबी के लिए, मॉस्क्यूटो के लिए और बटरफ्लाई के लिए, बताएं क्राइसलिस प्यूपा बीटल्स के लिए, हनीबी के लिए, मॉस्क्यूटो के लिए, बटरफ्लाई के लिए किसके इस्तेमाल करते हैं, बताएं क्या क्राइसलिस प्यूपा है ना, तो आंसर याद रखना किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बटरफ्लाई के लिए, याद रखना बटरफ्लाई के प्यूपा को कहते हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बटरफ्लाई के प्यूपा को क्राइसलिस प्यूपा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बटरफ्लाई के लिए। अगला स्लिपरी बैंड का प्रयोग, स्लिपरी बैंड का प्रयोग किसके लिए है ना किया जाता है, व्हाट इज द स्लिपरी बैंड, स्लिपरी बैंड जो होते हैं इज यूज्ड फॉर
फ्रूट फ्लाई के लिए, हैरी कैटरपिलर के लिए, मैंगो स्टेम बोरर के लिए और मैंगो मिलीबग के लिए किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बताएं? स्लिपरी बैंड जो है, स्लिपरी बैंड यूज फॉर द फ्रूट फ्लाई, हैरी कैटरपिलर, मैंगो स्टेम बोरर और मैंगो मिलीबग। मैंगो मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल, किसको? मैंगो मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए। अगला बताएं, चिलोन है ना, चिलोमिनस सेक्सुकुलाटा या फिर क्या कह सकते हैं इसको, काइलोनेमस, क्या बोल सकते हैं, काइलोनेमस सेक्सुकुलाटा, क्या है ये बताइए आप, क्या है? क्या पैरासाइट है या हमारा प्रेडेटर है या पेस्ट है या वायरस है, क्या है, क्या आंसर आएगा बताओ, क्या है ये? काइलोनेमस सेक्सुकुलाटा क्या होता है? पैरासाइट होता है, प्रेडेटर होता है, पेस्ट होता है, वायरस है, क्या है ये? बताएं क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा। ठीक है ना, बिल्कुल, क्या है तो आंसर है प्रीडेटर है। क्या है? प्रीडेटर, क्योंकि ये क्या है, एक लेडी है ना, लेडी बर्ड बीटल है ये, क्या है, लेडी बर्ड बीटल है, याद रखना, क्या है, लेडी बर्ड बीटल, जिसका उपयोग हम एफिड को कंट्रोल करने के लिए, किसको, एफिड को खाने का काम करती है, किसको कंट्रोल करते हैं, एफिड को, तो एफिड को खाने का कार्य करती है। अगला है पोलन बास्केट, अगला प्रश्न आपके सामने, पोलन बास्केट इज फाउंड इन द हाइंड लेग्स ऑफ, बता पोलन बास्केट जो है फाउंड इन द हाइंड लेग्स ऑफ, किसके पिछले वाले पैरों में पोलन बास्केट पाई जाती, सिंपल प्रश्न है बताएं, टर्माइट में, हनी बी के अंदर, आंट्स के अंदर, बटरफ्लाई में, पिछले पैर में पराग की थैली पाई जाती है। पोलन बास्केट इज फाउंड इन द हाइंड लेग्स ऑफ टर्माइट, हनी बी, आंट्स ऑफ बटरफ्लाई, पिछले पैर में पराग की थैली पाई जाती है, किसमें पाई जाती है हाइंड लेग्स बताएं, तो आंसर हनी बी, किसमें पाई जाती है, हनी बी के अंदर। ठीक है ना, हनीबी में जो होता है पोलन कलेक्स है ना, लेग्स होते हैं। होपर वर्न सिम्टम्स किसमें प्रकट होते हैं बताइए, होपर वर्न नाम के जो लक्षण होते हैं किसके अंदर प्रकट होते हैं बताएं, होपर वर्न अपीयरेंस, होपर वर्न सिम्टम्स होते हैं गेहूं, वीट, राइस, सुगर कैन या सोरगम, होपर वर्न, देखो होपर वर्न सिम्टम्स जो है किसके अंदर, राइस के अंदर है ना, किसके, ब्राउन प्लांट होपर, जो ब्राउन प्लांट होपर होता है ना, ब्राउन प्लांट होपर, कौन सा ब्राउन प्लांट होपर, क्लियर, कौन होता है ब्राउन प्लांट होपर, उसके कारण है ना, किसके कारण, ब्राउन प्लांट होपर के कारण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, होपर वर्न सिम्टम्स। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्या है, होपर वर्न आपको किसमें, तो ब्राउन प्लांट होपर। अभी एक एग्जाम में प्रश्न आया था, गोरी एक रेजिस्टेंट वेराइटी है राइस की, याद रखना ना, ये रेजिस्टेंट वेराइटी है, क्या है, ये रेजिस्टेंट वेराइटी है, क्या, गोरी एक रेजिस्टेंट वैरायटी है, याद रखना, क्या है, गोरी एक रेजिस्टेंट वैरायटी होती है राइस की, जो कि इसके लिए रेजिस्टेंट है, किसके लिए, होपर वर्न है ना, प्लांट जो है ब्राउन प्लांट होपर के लिए रेजिस्टेंट है। तो ये अभी एग्जाम में आता है ना ये वाला प्रश्न है, अभी अपना ICAR का जो CUT PG वाला पेपर था ना उसके अंदर था कि गोरी एक राइस की रेजिस्टेंट वैरायटी है, कौन सी, गोरी, जिसका प्रयोग हम यूज किस में करते हैं, याद रखना, राइस को, मतलब ये जो है रेजिस्टेंट वैरायटी है किसके लिए, ब्राउन प्लांट होपर के लिए। अगला प्रश्न बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 32, ट्राइकोकार्ड कंटेंस, ट्राइकोकार्ड में क्या होता है बताएं भाई, ट्राइकोकार्ड्स में क्या होता है, ट्राइकोकार्ड्स कंटेंस प्रेडेटर, पैरासिटोइड, माइक्रोब्स, क्या होता है, तो ट्राइकोकार्ड एक छोटा सा कार्ड होता है, उसमें एग्स वगैरह हम लगा देते हैं, किसके, तो याद रखना पैरासिटोइड के, किसके, पैरासिटोइड के अंडे उसके अंदर हम चिपकाते हैं, जिससे कि वो पेस्ट कंट्रोल करने में हम यूज करते हैं। द नेम ऑफ डेजर्ट लोकस्ट, चलिए बताइए आप अगला प्रश्न का आंसर क्या होगा, द नेम ऑफ डेजर्ट लोकस्ट इज, डेजर्ट लोकस्ट का नाम बताइए क्या होगा, द नेम ऑफ डेजर्ट लोकस्ट, पटंगा सक्सिनिस्टा है, लोकस्टा माइग्रेटोरिया है, सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया है, ऑल ऑफ दिस, क्या होगा, द नेम ऑफ द डेजर्ट लोकस्ट इज, डेजर्ट लोकस्ट का नाम क्या होगा, डेजर्ट लोकस्ट का नाम क्या है इसका, पतंगा
क्या नाम है? तो सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया क्या नाम होता है? बिल्कुल सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया है ना। ये जो किसका नाम है? ये बॉम्बे लोकस्ट का है। ये किसका है? बॉम्बे लोकस्ट का नाम होता है। किसका? बॉम्बे लोकस्ट है ये। ओके, ये कौन है? तो लोकस्टा माइग्रेटोरिया, ठीक है ना, लोकस्टा माइग्रेटोरिया। ये किसका नाम है? तो हमारा माइग्रेटरी लोकस्ट का। किसका? माइग्रेटरी लोकस्ट का, ठीक है। इसके बाद सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया हमारा किसका हो गया? डेजर्ट लोकस्ट का। सबसे खतरनाक होता है डेजर्ट लोकस्ट, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, इंसेक्ट क्यूटिकल इज मेड अप। इंसेक्ट क्यूटिकल किससे बनी होती है? बहुत सरल प्रश्न है। इंसेक्ट क्यूटिकल किसकी बनी होती है बताइए? इंसेक्ट क्यूटिकल जो है किसकी बनी होती है? इंसेक्ट क्यूटिकल जो है किसकी बनी होती है बताइए? बताएं, इंसेक्ट क्यूटिकल इज मेड अप फ्रॉम, बताइए, काइटिन, प्रोटीन, नन ऑफ दीज, या काइटिन एंड प्रोटीन। इंसेक्ट क्यूटिकल किसकी बनी होती है बताइए? इंसेक्ट क्यूटिकल किसकी बनी होती है? क्या आंसर आएगा? बिल्कुल है ना, काइटिन एंड प्रोटीन। इंसेक्ट क्यूटिकल किसकी बनी होती है? काइटिन एंड प्रोटीन की बनी होती है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसेक्ट क्यूटिकल का सीक्रेशन कौन करता है बताओ? इंसेक्ट क्यूटिकल का सीक्रेशन कौन करता है? इंसेक्ट क्यूटिकल का सीक्रेशन है ना, क्यूटिकल काइटिन प्लस प्रोटीन से मिलकर बनती है ना, याद है, दोनों चीज होती है, काइटिन प्लस प्रोटीन। अगला प्रश्न बताएंगे आप, इंसेक्ट क्यूटिकल का सीक्रेशन कौन करता है? एपिक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल, एपिडर्मिस, या बेसमेंट मेम्ब्रेन? चलिए बताइए कौन करता है? क्यूटिकल का सीक्रेशन कौन करता है? इंसेक्ट क्यूटिकल इज सीक्रेशन, बताइए। क्यूटिकल का स्त्रवण किसके द्वारा किया जाता है? एपिक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल, एपिडर्मिस, या बेसमेंट मेम्ब्रेन, किसके द्वारा किया जाता है बताएं? इंसेक्ट क्यूटिकल इज सीक्रेशन ऑफ, इंसेक्ट क्यूटिकल का स्त्रवण किसके द्वारा किया जाता है? एपिक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल, एपिडर्मिस, या एपिडर्मिस के द्वारा। बिल्कुल याद रखना, किसके द्वारा? एपिडर्मिस, ठीक है ना, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस के अंदर लेयर होती है ना, चलिए एपिडर्मिस के द्वारा। वूली एफल एफिड, सॉरी क्या बोलते हैं, वूली एफिड जिसका नाम होता है यूरियोसेमा लेनिजेरम, ये किसका एक इंपॉर्टेंट पेस्ट है? वूली एफिड किसका एक कीट है? वूली एफिड है ना, यूरियोसेमा लेनिजेरम इज ए पेस्ट ऑफ कॉटन, राइस, वेजिटेबल, एप्पल, किसका है? तो आंसर एप्पल का। किसका है? एप्पल का एक इम्पोर्टेंट कीट है। चलिए विच, अब बताओ विच इज बायो एजेंट फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल, कौन सा बायो एजेंट का यूज हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए करते हैं, कौन से बताइए आप? विच इज बायो एजेंट फॉर बायो कंट्रोल, बताओ बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? विच इज द बायो एजेंट फॉर द बायो कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट, BTN, NPP, बाउवेरिया मेटाराइजियम है, ट्राइकोग्रामा क्राइसोफर है ना, बताइए। बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है, नहीं, लिविंग लेयर जो होती है एक ही लेयर होती है, बीच वाली, ये एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस ही लिविंग होती है ना, तीन लेयर होती है, क्यूटिकल है, एपिडर्मिस होती है जिसको हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं यहाँ पर, और तीसरी होती है बेसमेंट, है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये वाली बीच वाली ही लिविंग होती है, बाकी दोनों ऊपर नीचे वाली नॉन लिविंग होती है। आयुष ऑल ऑफ दी जाएगा, सभी के सभी हम बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज करते हैं, बिल्कुल सबके सब क्या करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल। विच कार्बामेट इंसेक्टिसाइड, इनमें से कौन सा कार्बामेट इंसेक्टिसाइड है बताएं? इनमें से कौन सा कार्बामेट इंसेक्टिसाइड है? इनमें से कौन सा कार्बामेट इंसेक्टिसाइड है बताइए? कार्बामेट इंसेक्टिसाइड कौन सा है बताएं आप? कार्बामेट इंसेक्टिसाइड कौन सा है? एंडोसल्फान है, डाइक्लोरोबोस है, कौन सा है बताइए आप? कौन सा है?
विशेषता कह ना कार्बेट इंसेक्टिसाइड कौन सा होता है, कार्बोराइल, बिल्कुल है ना, याद रखना, जिसको सेविन नाम से बुलाते हैं ना, इसका ट्रेड नेम क्या होता है, सेविन, इंपॉर्टेंट है, कार्बोराइल 75 WP जो आता है ये। क्वेश्चन नंबर 39, द मैन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट, टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट का मैन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा होता है, टेरिस्ट्रियल, बताइए अब टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट का मैन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, द मैन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट इज, स्थलीय कीटों का मुख्य उत्सर्जन पदार्थ क्या है, बताइए, द मैन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट, द मैन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट इज, स्थलीय कीटों का मुख्य उत्सर्जन पदार्थ क्या है, यूरिया, अमोनिया, यूरेट या यूरिक एसिड, क्या है, टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट पूछ रहा है, टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट का बताओ, टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट का कौन सा है, टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट का कौन सा होता है, यूरिक एसिड, बिल्कुल है ना, किसका, यूरिक एसिड होता है ये, अमोनिया ये एक्वाटिक इंसेक्ट का होता है ना, किसका, एक्वाटिक इंसेक्ट का, ये किसका होता है, एक्वाटिक इंसेक्ट का होता है ना, ये किसका होता है, एक्वाटिक इंसेक्ट का होता है। क्वेश्चन नंबर 40 अगला, पेवराइन डिजीज रिलेटेड टू, पेवराइन डिजीज किससे संबंधित है, बताइए, अगला है पेवराइन डिजीज रिलेटेड टू, पेवराइन बीमारी किससे संबंधित है, हनीबी से, सिल्कवर्म से, लैक इंसेक्ट के, सभी से, पेवराइन बीमारी जो है किससे संबंधित है, बताइए, पेवराइन डिजीज रिलेटेड टू हनीबी, सिल्कवर्म, लैक इंसेक्ट या ऑल ऑफ दीज, पेवराइन डिजीज किससे संबंधित है, सिल्कवर्म, पेवराइन डिजीज जो है किससे संबंधित है, याद रखना, पेवराइन डिजीज का संबंध किससे है, पेवराइन डिजीज का संबंध किससे, सिल्कवर्म है ना, किससे होती है, होता किससे बीमारी, पेवराइन बीमारी होती किससे है, क्या ये बैक्टीरिया से होती है, क्या ये फंजाई से होती है, क्या ये प्रोटोजोआ से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, क्या ये वायरस से होती है, क्या ये वायरस से होती है, क्लियर, बताइए किससे होती है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, किससे होती है आखिर ये बीमारी जो है, किसके द्वारा होती है, क्या ये बैक्टीरिया से होती है, फंजाई से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, किसके द्वारा होती है, बताएं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ या वायरस, किसके द्वारा होती है, ये जो पेवराइन बीमारी है किसके द्वारा होती है, बताइए, किससे होती है, पेवराइन बीमारी किससे होती है, तो प्रोटोजोआ, याद रखना किसके द्वारा होती है, प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है, चलिए आज के लिए हो भी गए, कल से हम आपको है ना प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कराएंगे, है ना, क्या कराएंगे, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो आपको सोल्व कराए जाएंगे कल से, कौन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो जो अपने एग्जाम्स हुए ना प्रीवियस ईयर के वो आप अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो आरयू अपना आरएचओ का पेपर हुआ, ठीक है ना, और आरयू का पेपर हुआ, ये आपको सोल्व कराए जाएंगे, ठीक है ना, ये भी है ना आरयू एसडीओ का और एसएसडीओ का, ठीक है ना, ये आपको सोल्व कराए जाएंगे, और एक अभी ये एमपी अपना हुआ था, एमएससी इंट्रेंस हुआ है कल, अभी जो है ना एमएससी इंट्रेंस का एक पेपर हुआ है एमपी में, जो जेएनएन के भी वाला, वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको सोल्व कराए जाएंगे, जिससे कि जो है ठीक है। तो बताएं भाई सेशन कैसा लगा आप सभी को, सेशन अगर अच्छा लगा तो सेशन को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने दोस्तों को बताएं जो तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, क्लास होगी, ठीक है, तो है ना ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ में नए क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करेंगे, नए भी पुराने भी दोनों, ताकि ये अपने जो हैं आपके अगर कुछ डाउट हैं प्रीवियस ईयर के तो वो भी क्या हो जाएं आपके क्लियर हो जाएं, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं भाई। चलिए फिर अपन मिलते हैं, हाँ इसी टाइम पर 12:30 बजे टाइम पर आपको सोल्व कराएंगे।
ठीक है, जिससे कि आपको पुराने साल की जो पेपर है ना, ये जो है इनका पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे, चिंता ना करें, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ एक चीज़ और, एडीए का, हाँ एडीए का करा देंगे ब्रजवान। ये जो मैंने कल है ना एमसीक्यू सेंड किए थे, वो मैंने सिर्फ एग्रीकल्चर, देखो भाई वो मैंने जो कल 1500 क्वेश्चन सेंड किए थे ना, वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए सेंड किए थे टेलीग्राम पे, क्योंकि हमारे यहाँ पहले एडीए की टेस्ट सीरीज चलती थी, एडीए की टेस्ट सीरीज, उसके ओल्ड पेपर हैं वो, तो एग्ज़ाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, क्या जी के पुराना जुड़ा हुआ है, वो मैंने हटाया नहीं, वो पुरानी हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चलती थी ऑफलाइन में, तब उसके पेपर थे, मेरे पास क्वेश्चन थे 1000-1500, मैंने दे दी पढ़ने के लिए, किसी किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा वो भी, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो मैंने कल टेलीग्राम पे डाले थे, तो एग्रीकल्चर ही पढ़ना, जीके तो उसमें पुराना जुड़ा हुआ, क्योंकि पुरानी टेस्ट सीरीज है, और मेरे पास थे तो मैंने दे दिए कि भाई आप एग्रीकल्चर तो पढ़ लें, एग्रीकल्चर में तो करंट डाटा अकेला चेंज होता है, बाकी तो सब वैसे के एग्रोनॉमी वही रहेगी, प्लांट ब्रीडिंग वही, वो थोड़ी बदलेंगे कभी, ठीक है। चलिए ओके, फिर मिलते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से इसको वो ले लेना ना, टेलीग्राम चैनल से क्या लेना है इसका, टेलीग्राम चैनल जो है उससे क्या प्राप्त कर लें, इसकी पीडीएफ ज़रूर प्राप्त कर लें, टेलीग्राम चैनल से क्या प्राप्त कर लें, पीडीएफ ज़रूर प्राप्त कर लें, ठीक।